Welcome back to my YouTube channel, AJ Academy. Hi, once again, welcome back to my YouTube channel. Today, once again, I remind you all, subscribe my channel, like my channel, and comment my channel. I'm here to explain about the Class 11 snapshot books, first chapter, The Summer of the Beautiful White Rose. It's written by William Saroyan. He was an Armenian-American novelist, playwright, and short story writer. He was awarded Pulitzer Prize for his drama in 1940. He was born on 31st August 1908 in California, United States, and died on 18th May 1981, California, United States. And in this story, he depicts about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are honesty and trust. इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि दो आर्मेनियन बॉयज के बारे में बताया गया है कि जो आर्मेनियन बॉयज है वो एक ऐसे ट्राइब का है, ग्रेगोरियन ट्राइब, और ट्राइब उनका ईमानदारी और ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं। One day daybreak, there is a good old days when I was nine and the world was full of every imaginable kind of magnificence. इन इस कहानी का शुरुआत ऐसे किया है, लेखक जब 9 साल का था तब उसका जिंदगी में सब एकदम अच्छे मैग्निफिकेंस था एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. उनको अपने जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ उसको ऐसा लगता है कि कहीं स्वप्न में चल रहे हो. माय कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो लेखक का जो कजिन, जो नरेटर का जो कजिन है, ठीक है, वो उसका नाम है मुराद. वो सारे लोग उनको क्या समझते थे कि पागल समझते थे. केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे नरेटर का घर पे आ जाता है. वेक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माय रूम, अब दरवाजा खटखटाया मैंने, विंडो को खटखटाया, विंडो में खिड़की में खटखटा के हमारा नरेटर को उठाया. आराम, ही सेड, उनका नाम बुलाया, आराम, मैंने हमारा नरेटर का नाम है आराम, आराम को बुलाया. उसके बाद उसने बोला कम आउट, बाहर आ जाओ. अब हमारा जो नरेटर है वो अपना बेड से नीचे उतर आता है, उसके बाद खिड़की से बाहर को देखता है. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो, नरेटर कुडंट बिलीव, नरेटर को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बाहर का जो नजारा है. It was in the morning at, but it was summer and yet with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was in the dreaming. ये इतना सुबह नहीं हुआ है कि रोशनी आ गया है, पर थोड़ा थोड़ा रोशनी भी है क्योंकि समर का महीना था. तो क्या हो गया, उसको बाहर देखने से इतना तो पता चलता है कि वो ड्रीमिंग नहीं कर रहे, सपने नहीं देख रहे हैं, असलियत में ये सब हो रहा है उनका जिंदगी में. माय कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसका आश्चर्य की बात ये है कि इसका जो कजिन है वो कहां बैठे हैं, एक घोड़े के ऊपर बैठा है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, हम लोग भी जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, आंख को थोड़ा बहुत रब करते हैं, वैसा ही इसको विश्वास नहीं हो रहा तो आंख को दबा के देखा उसने, ठीक है. देन ही सेड इन आर्मेनियन,
आर्मेनिया का जो भाषा है उसमें से बोला, इट्स अ होर्स, हाँ ये एक घोड़ा ही है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्यूब इफ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम्हें इसके ऊपर बैठ के सवारी करना है तो क्या करना, बाहर आओ, मुराद ने बोला। I knew Michael Jackson, Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. See, Murad ab avan uska jindagi ka sare pal ko enjoy karte the. Theek hai, unka sare jindagi majha hi majha tha. अभी यहाँ भी वो बोलता है, हमारा लेखक भी यही कहता है कि आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस इज वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। अब भी हम जो देख रहे हैं ये मेरी आंखों को विश्वास करने लायक नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस My earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longing to ride. अब उसके बाद डेविड ने बोलता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक सिचुएशन था कि हम बचपन में ये horses के ऊपर ड्रीम करते थे और उसके बारे में सोचते थे। अब हमारे एक ही ड्रीम था, इसके ऊपर एक बार सवारी करना है। This was wonderful part. In the second place, we were poor. ये तो पहली बात है कि हम ये सब ड्रीम करते थे अच्छे अच्छे चीजों का, पर क्या है दूसरी ओर हमारे जिंदगी में हम बहुत पुअर थे, गरीब थे। एंड दिस वाज द पाथ दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सो, यही वो कारण है अभी वो आंखों के सामने जो दिख रहे हैं उसको विश्वास करने में हमें हमें रोक दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। गरीब मुराद के पास में एक इतना सुंदर सी घोड़ा कहां से आ गया, ये बात को लेके वो परेशान हो जाता है। एवरी ब्रांच ऑफ गरोगालिनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गरोगालिनियन फैमिली है जो ट्राइब है वो भले पॉवर्टी में है पर उनका जिंदगी हमेशा हमेशा कोई चोरी डकौती नहीं करने में जाता, वो कभी नहीं गया है, इसलिए उन लोग जाने जाते हैं कि उसकी ईमानदारी के चलते। इसके आगे वाला पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक सबके लिए शुक्रिया। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय, गुड नाइट।